मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, पाठ का नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो आपको पता है बेटा कि हमारे देश में जो है लोकतंत्र पे जो है संकट कैसे आया। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र को होता है कि जहाँ पे जो है अधिकार संपन्न नागरिक होते हैं, तो जो है लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे सब लोग जो है क्या है, अधिकार संपन्न है। अब क्या होता है बेटा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी हमारे देश में आ जाती है कि जिससे जो है नागरिकों के अधिकारों को जो हमें स्थगित करना पड़ता है। खैर ऐसा हमारे यहाँ जो है अभी 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 1975 1975 1962 1971। तो 1962 में जो है चीन के साथ युद्ध था, आपातकाल लगाया गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, आपातकाल लगाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा आपातकाल जिसको मानते हैं, जिसका जो है विरोध किया गया, वो था बेटा 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान। उस समय जो है देश में क्या हो रहे थे कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण धरना प्रदर्शन हो रहा था, सरकारों को जो है काम करने नहीं दिया जा रहा था। ये सरकार ने कारण गिनाते हुए सन 1975 में आपातकाल की घोषणा की। अब आपातकाल की घोषणा करते समय जो है राष्ट्रपति का जो है बड़ा योगदान आ जाता है। राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो बेटा, जब तक जो है राष्ट्रपति, मतलब भले ही जो है शक्ति हमारे यहाँ मंत्रिमंडल के पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है, लेकिन आपातकाल उसी की संशय पे होता है। जब मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को ये लिखित प्रस्ताव देता है कि भाई देश की स्थिति जो है अत्यंत खराब है और देश का शासन प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो जब लिखित प्रस्ताव जो है मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति जो है देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये जो है राष्ट्रपति की जो ये अधिकार क्या आता है, राष्ट्रपति के बेटा कई सारी शक्तियां प्राप्त है, कानूनी शक्तियां प्राप्त है, कानूनी अधिकार प्राप्त है, चाहे तो विवेकी शक्तियां है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां है, लेकिन जो राष्ट्रपति के जो संकटकालीन अधिकार है वो यही है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कैसे कर सकता है, किन स्थितियों में कर सकता है। तो सबसे पहला है बेटा अनुच्छेद 352। जब यदि हमारे देश में कोई बाहर का देश आक्रमण कर दे, ठीक, या हमारे देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंदर आपातकाल की घोषणा करके सारे देश का जो कार्यभार होता है, शासन प्रशासन का जो भार होता है, जो अधिकार होते हैं, वो सब क्या करता है, अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन ये घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद उसे लिखित रूप में जो है परामर्श दे सकते ही, तभी राष्ट्रपति, ये नहीं कि राष्ट्रपति की अपनी मर्जी आए तो वो आपातकाल की घोषणा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, इसके लिए क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को लिखित प्रस्ताव भेजती है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था सही नहीं चल पा रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1962 के भारत चीन युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में जो है आंतरिक गड़बड़, यानी कि जो आंतरिक अशांति हमारे देश में हुई, चारों ओर धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा था, तो उस कारण जो है तीन बार राष्ट्रपति ने जो है अनुच्छेद 352 के तहत हमारे यहाँ आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अनुच्छेद 376
356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता। अब क्या होता है कि यदि राष्ट्रपति को जो है इस स्थिति का पता चल जाए कि हमारी जो है राज्यों में जो है जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलाने में जो है बड़ी कठिनाई हो रही है, यानी कि जो हमारे राज्य की व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार जो है हमारे राज्य की शासन व्यवस्था नहीं चल पा रही है, तो उस समय राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा कर सकता है। क्यों? अब उस समय जो है उन ताकत किसके हाथ में आ जाती है, राज्य का जो कार्यभार होगा वो राष्ट्रपति के हाथ में आता है, जो राज्य में एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है वो होता है राज्यपाल। उस समय जो है राज्यपाल की जिम्मेदारी ये होती है कि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। ठीक है, फिर है बेटा वित्तीय संकट, अनुच्छेद 307। वित्तीय संकट काल, वित्तीय संकट काल, वित्तीय संकट काल में क्या है कि जब हमारे राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश की आर्थिक साख, यानी कि जो हमारा आर्थिक जो हमारे देश की समस्या है वो बहुत गहराती चली जा रही है, हमारे देश की जो समस्या है, हमारे देश में जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे महंगाई बढ़ रही है या आपूर्ति कम हो रही है, आर्थिक समस्याओं का सामना हमारा देश कर रहा है, तो ऐसे समय में जो है राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है कैसे? ऐसे में जो है राष्ट्रपति को जो है कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वो क्या कर सकता है, केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है, राज्यों को जो है अपनी वित्तीय नीति केंद्र सरकार के अनुसार चलाने के लिए कह सकता है। तो ये हुए बेटा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, यानी अनुच्छेद 352 बाहरी आक्रमण और देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह यानी कि हथियार उठाने वाली नौबत आ गई, तो 352 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है। अब आप 75 में बोलेंगे क्योंकि धरना प्रदर्शन था तो सरकार ने कारण भी गिनाए थे, 1975 का जो था, 62 में युद्ध था, बाहरी आक्रमण हुआ, 71 में भी बाहरी आक्रमण हुआ पाकिस्तान के साथ, लेकिन 75 में तो कोई आक्रमण भी नहीं हुआ था, तो सरकार ने कहा कि भाई देश में जो है आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, लोगों को जो है उकसाया जा रहा है, सेना और पुलिस को तक बगावत के लिए लोग उकसा रहे हैं, इस कारण जो है कहीं सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है, एक सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते थे, इस कारण जो 1975 में सरकार ने बोला, ये कारण गिनाए उन्होंने कि हमने इसलिए 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, उसके बाद आपातकाल की जांच के लिए जो है शाह आयोग बनाया गया, जेसी शाह की अध्यक्षता में, उसमें कई नेताओं को भी गवाह बनाया गया, तो इंदिरा गांधी भी थी उनमें गवाह, तो उस समय इंदिरा गांधी ने आयोग के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया था। तो ठीक है बेटा, अब एक चीज और है इसमें आता है, ये नक्सलवाद, नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन की जो शुरुआत है बेटा वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक पुलिस थाना है नक्सलवाद, वहां से हुई थी। इसका जो समर्थन कर रहे थे ये कम्युनिस्ट पार्टी से जो रिलेशन रखते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कर रहे थे, ये लोग ये चाहते थे कि भाई जो समाज में आर्थिक असमानता है उसको दूर किया जाए, तो इसलिए जो है ये लोग क्या करते थे, गरीब और पिछड़े तबकों की तरफदारी करते थे, उनकी उनके लिए जो है जो फायदेमंद जो योजनाएं होती थी उनका समर्थन करते थे, उनको जो लाभ पहुंचाने वाली नीति होती थी, जो पिछड़े लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने वाली नीतियों का ये लोग समर्थन करते हैं, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाद थाने से इसकी शुरुआत हुई है, इसीलिए इसको नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। इसमें जो है आज लगभग हमारे देश के 9 राज्यों के लगभग जो है 70-75 जिले जो है लगभग बेटा नक्सलवाद से प्रभावित है, और नक्सलवादी हिंसा में जो है अब तक
कई लोग जो है अपनी जाने गंवा चुके हैं। तो इसको नक्सलवादी आंदोलन इसीलिए कहा जाता है कि ये भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाद नामक एक थाना है, जैसे हैदराबाद है, धनबाद है, तो उसका नाम है नक्सलवाद, तो उस जगह से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसको नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। और यह कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है जो गरीब और असहाय लोगों की का जो फायदे पहुंचाने वाली नीति है उसका समर्थन करते हैं। और ये लोग जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि नक्सलवादी आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नक्सलवाद नामक जो थाना था वहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना।